हरियाणा की हार के बाद राहुल गांधी पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सवाल सहयोगी पार्टी ने ही उठाना शुरू किए हैं। सहयोगी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी के साथ सीधी फाइट में कांग्रेस कभी जीती ही नहीं। दरअसल हरियाणा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी फाइट हुई है। इसमें 5 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। केवल हिमाचल ही एक ऐसा राज्य रहा जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। इसे लेकर भी अब सहयोगी पार्टी अटैकिंग मोड में है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ा मौका था, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी चूक गई। अब इसलिए इंडिया अलायंस के बीच में भी कांग्रेस के ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 वाला मामला था। ये तो एक 90 हो गया, एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस के साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीते गए तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है। लेकिन बीजेपी आ गई, उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव हार का साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। शिवसेना सवाल उठा ही रही है और इसका असर अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हुई है। साथ ही अब सहयोगी पार्टियों के ने एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव की भी रणनीति शुरू कर दी है। कैसे, वो आपको बताती हूं। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की ही बात कर ले, कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है। आपका कहना यह है कि अगर साथ चलते तो कुछ और बात होती, यानी अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के बीच में गठबंधन की कोई एक ऐसी कड़ी जुड़ जाती तो शायद नतीजे में कुछ और रिफ्लेक्ट होता। अब देखिए, शेरो शायरी में बात होने लगी, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो अलग शाम होती, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में 0.85% का ही अंतर था, यानी 1% का भी पूरा अंतर नहीं था, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 1% से ज्यादा वोट था। इतना ही नहीं, 5 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले। आपको हरियाणा की वो 5 सीटें और उसका वोट मीटर मैं दिखा रही हूं जिन पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने सीधे डैमेज किया। सबसे पहले देखिए उचाना कला, यहां पर कांग्रेस पार्टी का हार का मार्जिन मात्र 32 था। मात्र 32 वोटों से कांग्रेस पार्टी हारी और आम आदमी पार्टी को 2495 वोट मिले। हो सकता था ये अलायंस होता तो यहां पर तस्वीर अलग होती। असंत में 2306 वोटों से कांग्रेस की हार हुई, यहां आम आदमी पार्टी को 4290 वोट मिले थे। डबवाली में देखिए 6606 वोट मिले आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी कितने वोटों से चुनाव हारी, यहां पर मात्र 610 वोट इसे और चाहिए थे। अगर ये वोट वहां जुड़ जाते तस्वीर अलग होती। ठीक उसी तरीके से दादरी कहें या महेंद्रगढ़ कहें, तस्वीरें कुछ अलग थी। केवल आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी कांग्रेस को नसीहत देने में पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जहां अहंकार छोड़ने की बात कही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सलाह दी कि कांग्रेस को अब रणनीति पर मंथन करने की जरूरत है क्योंकि सीधी फाइट में वो बीजेपी से हार जाती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मंथन करने की सलाह दी। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा, मतलब
हम तो मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब के बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने, और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे वो बेचारे घर में बैठे रहे, और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से लेकर शिवसेना तक अब कांग्रेस पर सभी हमलावर है, प्रेशर टैक्टिक्स का खेल शुरू हो चुका है। तभी तो महाराष्ट्र में एक और सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भावी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। दादर में शिवसेना भवन के ठीक सामने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं जिसमें साफ लिखा है भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ये पोस्टर शिवसेना के सचिव और आदित्य ठाकरे के करीबी साईनाथ दुर्गे की ओर से लगाए गए हैं। ये दबाव नहीं तो और क्या है? हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर संजय राउत के बयान पर नाना पटोले ने पलटवार किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोई भी हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों राज्यों की राजकीय भूमिका अलग है। महाराष्ट्र में शाह फुले अंबेडकर विचारधारा है और महाराष्ट्र लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हमारा हुआ था उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हमारा महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है, बिल्कुल हम आज चर्चा करें।